बिहार विधानसभा का चुनाव समय पर होने वाला, चुनाव आयोग ने ऐसा बताया है। और जब चुनाव नज़दीक आया है तो जो आज बिहार में विपक्ष की राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, या उनके साथ सहयोग करने वाले दूसरे दल हो, इन लोगों ने राज्य की जनता के सामने कुछ झूठे आंकड़े पेश करने की ठीका ले ली है, ऐसा दिख रहा है। और लगातार गलत आंकड़े लोगों को बताना, जिसको कहते हैं झूठ की खेती करना, तो झूठ की खेती वो करते रहे। बिहार की जनता सत्य जानती भी है और सत्य पहचानती भी है, और सत्य को पहचान के ही इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना आशीर्वाद भी देती है। आज मीडिया के मित्रों के माध्यम से मैं राज्य की जनता को कुछ तथ्य बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से 15 वर्षों के उनके जो शासनकाल थे 2005 के पहले के और 2005 के बाद के शासनकाल में अंतर, उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में काम करने की जिम्मेवारी मुझे मिली है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वह मैं बताना चाहता हूँ। फर्क बहुत साफ है कि 2005 के पहले इस राज्य के अंदर एक PHC में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 39 मरीज आते थे, और आज एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे महीने में 10,000 से अधिक मरीज आते हैं। तो फर्क साफ है कि 39 मरीज कहां एक PHC पे आते थे, आज 10,000 आ रहे हैं। मतलब राज्य की जनता का भरोसा और विश्वास राज्य के अस्पतालों पे बढ़ा है, राज्य के चिकित्सकीय व्यवस्था पर बढ़ा है। उस वक्त 2005 तक राज्य के सरकारी अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त दवाइयां नहीं मिलती थी, लेकिन 2005 के बाद बिहार के अंदर अस्पतालों में EDL की सूची बनाई गई और गरीबों को मुफ्त दवा देने की व्यवस्था इस राज्य में शुरू हुई। और आज राज्य के अंदर लगभग 300 दवाइयां विभिन्न सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दी जाती है, और 250 करोड़ से अधिक रुपए प्रतिवर्ष केवल दवाइयों के लिए खर्च राज्य की सरकार करती है। तो फर्क बहुत साफ है कि पहले गरीबों की दवाई के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, और आज गरीबों की दवाई के लिए 250 करोड़ रुपया राज्य की सरकार खर्च कर रही है। उस वक्त इस राज्य के अंदर में, उस वक्त तक केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल थे और 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अस्पताल था, मतलब कुल 8 मेडिकल कॉलेज अस्पताल थे। और आज की तारीख में 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं, सरकारी, और 5 सरकारी और 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं। तो उस वक्त 8 था, आज बढ़ के वो 17 हो गया, दुगने से भी ज़्यादा हो गया। और अगले 4 साल में इस राज्य में मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की संख्या बढ़ के 28 हो जाएगी। तो फर्क बहुत साफ है, कहाँ आज़ादी के बाद से लेके 2005 तक केवल 8 मेडिकल कॉलेज, और आज हो गए 17, अगले 4 साल में होंगे 28 मेडिकल कॉलेज। एम्बुलेंस सेवा स्वास्थ्य सेवा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन 2005 के पहले तक इस राज्य के अंदर में 350-350 के बीच एम्बुलेंस होता था। आज राज्य के अस्पतालों में मरीज जल्द से जल्द पहुंच सके, इसके लिए आज 1100 से अधिक एम्बुलेंस की सेवा राज्य की जनता को इस राज्य के अंदर दी जा रही है। तो फर्क साफ है, 350 भी एम्बुलेंस नहीं आ रहा, आज 1100 एम्बुलेंस राज्य की जनता की सेवा में है। उस वक्त तक डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ्स की नियुक्ति होना एक सपना होता था। 15 वर्ष के शासन काल में चिकित्सकों की नियुक्ति और पैरामेडिकल की नियुक्ति हो जाए, यह एक सपना था। लेकिन मैं केवल 3 वर्ष का आंकड़ा देना चाहता हूं, उसके पहले भी इस राज्य में चिकित्सकों और पैरामेडिकल की नियुक्ति हुई है। पिछले केवल 3 वर्ष में
21,530 चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति हुई है और 12,621 और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तो फर्क साफ है कि पहले अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ आते कहां से, नियुक्ति ही नहीं होती थी, और आज अस्पतालों की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य की सरकार ये सारी नियुक्तियां कर रही हैं। पहले सदर अस्पतालों पर भी ध्यान नहीं रहता था सरकार का, जो जिला अस्पताल होता है। आज राज्य के 21 जिला अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित करने का काम राज्य की सरकार कर रही है। आप सब पटना के IGIMS को 2005 के पहले देखे होंगे। यह राज्य का बहुत बड़ा चिकित्सा संस्थान है। यह बंद होने की कगार पर आके खड़ा हो गया था 2005 के पहले, लेकिन आज पटना के IGIMS में न केवल बिहार बल्कि बिहार के बाहर से भी लोग आके इलाज कराते हैं, और जो अस्पताल बंद होने के कगार पे आ गया था वहाँ आज 1,032 बेड पर लोगों का इलाज हो रहा है और 500 बेड के अस्पताल के निर्माण का काम भी चल रहा है। तो फर्क बहुत साफ है कि पहले लोग को IGIMS जाने में डर लगता था, आज IGIMS जाने के लिए सब लोग इलाज कराने के लिए ललायत रहते हैं। ये अंतर है। पहले इस राज्य में रुई और सुई की कमी होती थी, लेकिन आज उसी IGIMS संस्थान में अंग प्रत्यारोपण होता है। आज कई लोगों के नेत्र में ज्योति मिलती है तो किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए भी आज बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ता है। फर्क बहुत साफ है। ये फर्क राज्य की जनता महसूस कर रही है। इस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना, कई गरीब पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते थे। गंभीर इलाज, हृदय रोग है, किडनी है, लीवर है, कैंसर है, ऐसे गंभीर रोग जिसमें ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, गरीब इलाज के अभाव में कभी कभी बेचारा मर जाता था। उस वक्त की सरकार को इसकी चिंता नहीं होती थी, लेकिन आज की जो संवेदनशील सरकार है उसमें फर्क बहुत साफ है। आज 150 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के तहत राज्य के उन गरीबों को पैसा दिया जाता है जो गरीबी के कारण इलाज नहीं करा पाते थे। आज 15 दिन के अंदर उनके अस्पताल में पैसा भेज दिया जाता है इलाज कराने के लिए। ये अंतर बहुत साफ है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आज इस राज्य के अंदर 1,08,00,000 परिवार ऐसा है जिसको 5,00,000 रुपए तक के इलाज कराने की व्यवस्था भारत की सरकार और राज्य की सरकार ने मिलकर किया है। और प्रधानमंत्री जी ने यह जो योजना दी है इससे राज्य के गरीबों को एक नई जीने की ललक पैदा हुई, राज्य के गरीबों के बीच एक विश्वास पैदा हुआ है कि मेरे परिवार में अब कोई पैसे के अभाव में इलाज के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। उसको विश्वास हो गया है कि आज इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, हमारे घर में यदि कोई बीमार होगा और 5,00,000 रुपए तक के इलाज की जरूरत पड़ेगी तो सरकार खर्च करेगा। और इस राज्य के अंदर में आज हमने 1,50,000 के आसपास मरीजों का इलाज इस योजना के तहत कराया। तो फर्क बहुत साफ है। पहले की सरकार को सोच भी नहीं होती थी कि उस गरीब का ध्यान कौन रखेगा। तो गरीबों का हितैषी, गरीबों का रहनुमा, गरीबों के लिए दिल में दर्द रखने वाला, गरीबों के लिए संवेदना रखने वाली सरकार यदि आज है तो वो साफ तौर पे दिख रही है। और पहले की सरकार ने गरीबों के नाम पर किस प्रकार से राजनीति की ये भी फर्क बहुत साफ तौर पे दिख रहा है। उस वक्त टीकाकरण के कारण बच्चों की जिंदगी बचती है, उस वक्त 2005 के पहले टीकाकरण का प्रतिशत इस राज्य में केवल 32% था, आज बढ़ के वो 86% हो गया, 86%। कितना बड़ा अंतर आया है, 32% से 86%। उसी प्रकार से जो मातृत्व मृत्यु दर था वो उस वक्त 312 होता था और आज जो मातृत्व मृत्यु दर है वो घट के 149 पर आ गया है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन, ये आधे से भी कम मातृत्व मृत्यु दर आया तो इस शासन में आया है। ये परिवर्तन बहुत साफ दिखता है, फर्क बहुत साफ है। उसी प्रकार से आज़ादी के बाद पहली बार जो शिशु मृत्यु दर आज इस राज्य का घट के उस समय 62 था 61 था
आज घट के वो 32 पे आ गया, लगभग आधे पे आ गया है। और पहली बार जो भारत का औसत है, देश का औसत है शिशु मृत्यु दर का 32, आज पहली बार अब बिहार में भी शिशु मृत्यु दर घट के 32 आ गया। तो 61 से घट के 32 आ गया, ये भी फर्क बहुत साफ है। और लगातार इस राज्य के जो PFR है, प्रजनन दर है, उसमें भी कमी लाने का काम इस राज्य सरकार के समय हुआ है। उस वक्त इस राज्य का के अंदर कुल प्रजनन दर 4.2% था, आज वो घट के 3.2% आया है। इसके अलावे भी बहुत सारे फर्क साफ दिखने वाले काम इस राज्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा के अंदर हुए हैं, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा चूंकि उतना समय भी नहीं है और उतना आप प्रसारित भी उतना समय आपको भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य, आंकड़े जो गवाह हैं, आंकड़े जो आईने की तरह दर्शा रहे हैं कि कैसे परिवर्तन हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं में, वो आज मैंने मीडिया के मित्रों के सामने रखा है। और मुझे विश्वास है कि आपके माध्यम से जो तब का स्वास्थ्य सेवा था और आज की स्वास्थ्य सेवा है, उसमें जो फर्क दिख रहा है वो आपके सामने मैंने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो सवाल, शायद यहाँ सवाल नहीं होता है, हाँ, नहीं, होता है। ना मैंने कहा कि फर्क बहुत साफ है, तो राज्य की जनता उस फर्क को महसूस कर चुकी है। और झूठ की खेती करने वालों को राज्य की जनता अवसर नहीं देने वाली है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, जनता उसी के साथ चलेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।